हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द एग्जाम्बी चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है पूरी रीजनिंग सुपर सीरीज, इसका आज डे थ्री है। डे वन और डे टू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये पूरी, मैं आपको बता दूं जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है, ये पूरी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम डिस्कस करते हैं रीजनिंग के सभी टॉपिक्स। इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले ही आ चुकी है जो कि डे वन वीडियो है। अगर आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि किस तरीके से ये पूरी सीरीज चलेगी, क्या क्या टॉपिक इसमें कवर होंगे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, या फिर उसके अलावा अगर आप इस चैनल पर भी देखेंगे तो इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये पूरी प्लेलिस्ट एक साथ मिल जाएगी, तो वहां पर आप डे वन देख सकते हैं। जनरली आपको बता दूं ये सब इसके फीचर्स यहाँ लिखे हैं, ज्यादा इन पर बात नहीं करेंगे, ये सब एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं। अपनी बात करूं, मेरा नाम है यमन कंसल, मैंने अभी रिसेंट में सभी एग्जाम जिनमें एसजेपीओ भी इंक्लूडेड है ये सब क्लियर की है, इनमें मेरी ज्वाइनिंग अवेटेड है। राइट, तो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों के सामने पूरी सीरीज लेकर आया हूँ। और इसमें जो अपडेटेड कंटेंट है, जैसा कि एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और इसकी हमने पर्टिकुलर एक एक टॉपिक की तीन तीन चार चार क्लासेस रखी हैं, ताकि जितने भी उसके टाइप बनते हैं वो सभी टाइप्स को हम कवर कर सकें। सेशन के बाद आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ भी मिलती है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सेशन को कंप्लीट होने के बाद, इनको समझने के बाद, इस कॉन्सेप्ट को आपको वो पीडीएफ डाउनलोड करनी है, जो वहां पर क्वेश्चंस होंगे उनको अटेम्प्ट करना है। जिन भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होता है, वापस यहाँ पर आकर आप कमेंट सेक्शन में अपना जो डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो वो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। डेली 8 AM आपको इसी चैनल पर ये सीरीज मिलती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको जो भी वीडियोज आए उनकी नोटिफिकेशन भी मिलती है। स्टार्ट करेंगे आज, तो ये सब एग्जाम इसमें कवर हो जाते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, ज्यादा इन पर बात नहीं करेंगे। हाँ, अब बात करेंगे क्या क्या पढ़ेंगे आज के दिन में, हम डे थ्री में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो लेक्चर था वो था इसका पूरा इंट्रोडक्शन, कि किस तरीके से सीरीज चलनी है, वो पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। सेकंड लेक्चर में हमने ये इनइक्वालिटी का फर्स्ट पार्ट जो कि था नॉलेज ऑफ साइन एंड सिंपल क्वेश्चंस, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही एक नई चीज, बहुत ही ऐसी चीज की जो जिसको बहुत ही कम लोगों ने कवर किया हुआ है, लेकिन इससे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में, तो इस चीज को हम कवर करेंगे। उसका नाम है नॉट इक्वल टू टाइप। ये हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका है, इसको हम आज करने वाले हैं। नॉट इक्वल टू टाइप, नॉट इक्वल टू जिसमें आता है उन तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करें, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन से ही चलते हैं डिस्कस करने में, क्वेश्चन को ही देख के फिर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। नॉट इक्वल टू, देखो इस तरह का साइन वहां पर होता है, मानो यहाँ पर ए है, ये बी है, बीच में नॉट इक्वल है। अब हमारे पास आप जानते हैं तीन साइन होते हैं, एक तो होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक होता है इक्वल टू। इसके अलावा दो साइन और होते हैं, वो होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, हमारे पास टोटल पांच साइन होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इनका मैं पूरा नॉलेज प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ, तो उतना डीप नहीं जाएंगे इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर नॉट इक्वल टू लिखा है, अगर यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिखा है, तो यहाँ पर हमारा जो मेन चांस बनता है वो इधर और का बनता है, क्योंकि इस केस में हम ए और बी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं बता पाएंगे, कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। रीजन क्या है कि ए नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब यह है कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, तो वो बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, तो इस केस में हम उनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि उनके बीच में हम पॉसिबिलिटी बता पाएंगे कि या तो वो बड़ा होगा या फिर वो छोटा होगा। अगर कोई चीज बराबर नहीं है किसी के, तो या तो वो उससे बड़ी होगी या फिर वो उससे छोटी होगी। लेकिन हमें इसको इस तरह से नहीं समझना है, हमें इसको इन पांचों साइन के हिसाब से समझना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे साइन है, अगर ए नॉट इक्वल टू बी है तो इन पांचों में से कौन कौन से ऐसे साइन है जो वहां पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिनकी पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी और जो डेफिनेटली जो फॉल्स होंगे ही होंगे। देखते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी, तो देखो ए नॉट इक्वल टू बी, तो एक तो ये इक्वल टू का साइन, ये कभी भी उसका आंसर नहीं होगा, ये तो होगा डेफिनेटली डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, ये होगा डेफिनेटली फॉल्स। इसको एक एक करके समझते हैं। देखो ए नॉट इक्वल टू बी, साइन है हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल, ये पांच साइन है। देखते हैं कौन कौन सा साइन बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। पहले बात करें देखो ग्रेटर देन की, जब ए नॉट इक्वल टू बी है, ए बड़ा नहीं है बी से, तो या तो बराबर होगा, सॉरी ए बराबर नहीं है बी के, तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, तो ये साइन है बड़े का कि ए ग्रेटर देन बी, तो क्या ये हो सकता है। तो ये देखो, ये हम ना मना कर सकते इसको, ना हम इसको हाँ कर सकते, तो ये हमारा एक डाउटफुल केस है।
कि जब ए बी के बराबर नहीं है तो वो बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, लेकिन खाली ये कहना कि वो बड़ा ही होगा, कि ए बड़ा ही होगा बी से, ये सही नहीं होगा, राइट। तो यहां पर ए ग्रेटर देन बी, ये ऐसा हो तो सकता है बट ऐसा पक्का नहीं है, तो ये एक डाउटफुल केस है। कैसा केस है? डाउटफुल, ठीक है, बहुत ही आराम से समझना, कोई इतना हार्ड चीज नहीं है, बहुत ही आसान समझ में आ जाएगा। अगली बात, ए नॉट इक्वल टू बी है, तो मैंने अभी बताया आपको नॉट इक्वल टू का मतलब या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, लेकिन खाली बड़ा कहना या खाली छोटा कहना वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पर देखो साइन है लेस देन का, कि ए लेस देन बी हो जाए तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा है या नहीं है ये डेफिनेटली हम लोग नहीं कह पाएंगे। तो ए लेस देन बी ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये डेफिनेट केस नहीं है। तो ये भी कैसा केस हुआ? एक ये भी एक डाउटफुल केस हुआ, ये भी कैसा? एक डाउटफुल केस हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं इक्वल टू पे। अब देखो ए बी के बराबर नहीं है तो इक्वल टू ए बराबर बी ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो हमारा डेफिनेटली फॉल्स है। क्या है? डेफिनेटली फॉल्स। बहुत ध्यान दे इसके कॉन्सेप्ट को समझना, डेफिनेटली फॉल्स है ये। क्यों? क्योंकि ए बराबर बी जब उन्होंने पहले ही दे दिया कि ए बी के बराबर नहीं है और कंक्लूजन में हमें दे रहा है कि ए बराबर बी, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो है ही नहीं, ये तो गलत है बिल्कुल, तो ये हो जाएगा हमारा डेफिनेटली फॉल्स। अगला देखिए, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, कि ए या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो, ए या तो बड़ा हो या बराबर हो, तो बड़ा बराबर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले उन्होंने कह दिया कि ए नॉट इक्वल टू बी, तो बराबर तो हो नहीं सकता, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? डेफिनेटली फॉल्स। जिस भी चीज में कोई ऐसी चीज आ जाए जो कि हो ही नहीं सकती वो डेफिनेटली फॉल्स। ऐसे ही लेस देन इक्वल टू, लेस देन हो सकता है बट इक्वल टू नहीं हो सकता, लेकिन ये साइन जो है ये लेस देन और इक्वल टू दोनों को डिनोट करता है, इस वजह से ये भी हमारा डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, है ना, डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये काम आपके सिलोजिज्म में भी ये चीज आएगी कि जो चीज डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स होती है उसकी पॉसिबिलिटी भी ट्रू नहीं होती। जो चीज डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स होती है उसकी पॉसिबिलिटी भी ट्रू नहीं होती, उसकी पॉसिबिलिटी भी फॉल्स होती है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें, ये चारों, ये जो तीन बन रहे हैं यहाँ पे लास्ट वाले, ये तीनों क्या है? देखो डेफिनेटली फॉल्स है तो इनकी पॉसिबिलिटी, इनकी पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी? वो फॉल्स हो जाएगी, यानी कि ये कभी भी इस केस में इधर और नहीं बनाएंगे, इधर और नहीं बनाएंगे। इधर और होता क्या है? इधर और भी तो पॉसिबिलिटी होती है कि या तो ये या फिर ये, पॉसिबिलिटी तो होती है। तो जो चीज डेफिनेटली ट्रू हो जाए या जो चीज डेफिनेटली फॉल्स हो जाए वो कभी भी, उसकी पॉसिबिलिटी कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर वो ट्रू नहीं हो सकती इसका मतलब वो चीजें कभी भी इधर और केस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। रीजन क्या है? इधर और केस जो होता है वो हमारा पॉसिबिलिटी को ही डिनोट करता है। आई होप समझ में आ रही होगी बातें, अगर नहीं समझ में एक बार दोबारा इसको रिपीट करके सुनना जो मैंने बोला है यहाँ पर। तो ये सब, तो ये तीनों तो कभी भी हमारे इधर और केस में नहीं जाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे। रीजन क्या है? कि ये तीनों डेफिनेटली फॉल्स, तो इन तीनों की बात नहीं करते। लेकिन हाँ, जो केस डाउटफुल है, जो केस डाउटफुल है वो मिलके उनकी पॉसिबिलिटी, उनकी पॉसिबिलिटी जो होती है वो ट्रू होती है। कोई चीज अगर डाउटफुल है, सोचो अगर आपके, आपने शाम को कुछ ऐसा बाहर का कुछ खाया, कुछ फास्ट फूड खाया, ठीक है, और अगले दिन आपकी तबीयत खराब हो, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से आपने पूछा कि भाई ये क्या हुआ, तो डॉक्टर ने आपसे पूछा कि शाम को आपने कुछ खाया था क्या, तो आपने बताया कि हाँ मैंने ये खाया, तो डॉक्टर ने कहा कि शायद आपने वो चीज खाई उस वजह से ये आपको प्रॉब्लम हुई है, शायद कहा उन्होंने कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस खाने के ऊपर जो आपने जंक फूड खाया था उसके ऊपर उन्होंने डाउट किया, क्योंकि उन्होंने वो चीज डाउट में रखी इसलिए उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू, कि हाँ उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, वो चीज उन्होंने ट्रू बताई, वो उन्होंने वहां पर कह दिया कि हो सकता है आपने उस जो खाया वहां पर उसकी वजह से, वो जो खाया आपने उस पर उन्होंने डाउट किया, वो क्या था, एक डाउटफुल केस था, और उसके बेसिस पर उन्होंने कह दिया वहां पर कि हो सकता है उसके बेसिस पर आपको ऐसा हुआ हो, यानी कि उस जो डाउटफुल चीज थी उसकी जो पॉसिबिलिटी थी वो उन्होंने ट्रू कर दी। अगर आपने खाया ही ना होता, अगर आपने खाया ही ना होता कुछ चीज शाम को, तो क्या डॉक्टर उस बात को कुछ कहते, उस बात के लिए कुछ कहते? तो नहीं कहते,
तो वो चीज होती है हमारी डेफिनेटली फॉल्स कि हमने आप उन्होंने आपसे पूछा कि शाम को आपने कुछ बाहर का खाया, आपने कहा नहीं खाया, तो वो चीज क्या हो गई, वो चीज हो गई डेफिनेटली फॉल्स। तो वहां पर वो उसकी वजह से ये बता दें कि उसकी वजह से बीमारी हुई है आपको, तो वो कह ही नहीं सकते क्योंकि आपने शाम को कुछ खाया ही नहीं बाहर का। या फिर अगर आपने खाया होता, डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आपने शाम को कुछ खाया था बाहर का, आप कहते हैं हाँ मैंने खाया था, तो डॉक्टर कहते कि हाँ शायद उसी की वजह से हुआ, तो वहां पर डॉक्टर ने डाउट किया उस चीज पर कि हाँ आपने ऐसा कुछ खाया, वो खाने में शायद कुछ चीजें ऐसी रही होंगी, उन्होंने डाउट किया और उस बेसिस पर उन्होंने बताया कि उसकी वजह से आपको ये चीजें हुई है, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने उसकी पॉसिबिलिटी दिखाई। तो जो भी केस डाउटफुल होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी ट्रू होती, ये याद रखना। आप अब तक ये पढ़ते आए हो इस सीरीज में, मैं क्यों कह रहा था इस सीरीज डिफरेंट आपके लिए, आप अब तक ये पढ़ के आए हो कि जिसका डेफिनेट स्टेटमेंट गलत होता है उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू होती है। गाइस ऐसा नहीं है, जिसका डेफिनेट केस डाउटफुल होता है उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, ये याद रखना। क्योंकि जो चीज डेफिनेटली जो चीज गलत है, देखो मान लो ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है यहां पर, ये क्या है, ये डेफिनेटली फॉल्स है, तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी? कभी भी ऐसा हो सकता है कि ए बराबर हो जाए बी के, अगर ये स्टेटमेंट दिया है कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है, तो क्या कभी ऐसा हो भी सकता है कि ए बराबर हो जाए बी के? तो नहीं हो सकता। इसका डेफिनेट केस भी गलत है ए इक्वल टू बी का, और इसका पॉसिबल केस भी गलत है। इस चीज को समझो, आप लोग ये पढ़ते हो कि जिसका डेफिनेट केस हमारा ट्रू हो जाता है उसकी पॉसिबिलिटी फॉल्स हो जाती है, जिसका डेफिनेट केस अगर फॉल्स हो जाता है तो उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाती है। गाइस ऐसा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट्स को सुधारो, आपको सिलेबस में बहुत काम आएगी ये चीज, ये बात ध्यान रखना। जिसका डेफिनेट केस डाउटफुल होता है केवल उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू होती है। यहां पर जो हमारे ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ये दोनों के थे डाउटफुल केस थे, ये हम श्योरली नहीं कह पा रहे थे, हाँ लेकिन इनकी पॉसिबिलिटी थी, तो इनकी पॉसिबिलिटी देखो दोनों की ट्रू, तो ये मिलकर ईदर और पेयर बना सकते हैं, ये मिलकर ईदर और का पेयर बना सकते हैं। तो ईदर और में जो है, अगर कहीं पर भी लिखा है ए नॉट इक्वल टू बी, तो वहां पर ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और ए लेस देन इक्वल टू बी, ये कभी भी ईदर और वाले पेयर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओनली जो पार्टिसिपेट करेंगे वो होंगे ग्रेटर देन और लेस देन। आई होप इतनी बात आपको समझ में, ये चीजें आप उसी नोटबुक में नोट कर लेना जिसमें आप करते हैं, राइट। चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे, एग्जांपल सॉल्व करते हैं कुछ। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि टी इज नॉट इक्वल टू आर, ऑल्सो एम इज नॉट इक्वल टू आर। देखो बेसिकली हम क्या करते हैं इक्वल टू वालों में, हम करते हैं टी इज इक्वल टू आर, मानो अगर ये दिया होता और एम इक्वल टू आर, तो हम इस केस में क्या करते हैं, आर आर कॉमन है दोनों में, तो हम ऐसे करते हैं टी इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू एम, इनको हम कंबाइंड स्टेटमेंट इस तरह से बना लेते, तो हम बता देते हैं फाइनली कि टी इज इक्वल टू एम है, T is equal to M. लेकिन not equal to के केस को अगर हम कंबाइंड करें यहां पर कि T not equal to R is not equal to M, और यहां पर अगर हम ये कहने लग जाएं कि T is not equal to M, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी, ध्यान रखना इसी का, ये बात हमारी गलत हो जाएगी। इक्वल टू वाले में तो हम कह सकते हैं कि T equal to R equal to M, तो T is equal to M, वो तो हम कह सकते हैं वहां पर, लेकिन not equal to में ऐसा नहीं कह सकते। अगर T not equal to R है और R not equal to M है, तो T not equal to M हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है इसकी वैल्यू 5 हो, इसकी वैल्यू 4 हो, और इसकी वैल्यू 3 हो, तब भी तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तब भी तो जो है T R के इक्वल नहीं है, T R के इक्वल नहीं है, यहाँ पर R M के इक्वल नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि M इसके इक्वल ना हो। हाँ अगर यहां पर भी मान लो 5 हो, अगर यहां पर भी मानो M की जगह 5 हो, तब भी तो ये रिलेशन सब प्रॉपर रिवर्ट रहे कि 5 नॉट इक्वल टू 4, 4 नॉट इक्वल टू 5, लेकिन t इज इक्वल टू m बैठ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि t नॉट इक्वल टू m हो रहा है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। t नॉट इक्वल टू m हो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस केस में भी जो फर्स्ट और थर्ड स्टेट थर्ड वाला एलिमेंट है वो भी एक दूसरे के नॉट इक्वल टू केस बना, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, लिखा है टी नॉट इक्वल टू आर और एम नॉट इक्वल टू आर, फर्स्ट कंक्लूजन हमसे कह रहे हैं एम नॉट इक्वल टू टी, तो अभी वही चीज आ गई जो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, एम नॉट इक्वल टू टी, तो देखो टी वही अगेन, अगर बनाए हम इसको एक नॉट इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू एम, तो टी और एम में हम डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे, टी और एम में हम डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे,
तो उस केस में यहां पर देखो क्या होगा कि टी और एम के बीच में अगर तीनों साइन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हमारा इधर और का पेयर बनेगा वरना नहीं बनेगा। देखो इंडिविजुअली ये भी फॉल्स है क्योंकि तो इसमें सिर्फ नॉट इक्वल टू कह दिया और इसमें टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम कह दिया तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, और देखो ये दोनों मिलके इधर और पेयर बना रहे हैं नहीं बना रहे, तो ये देखो दो तरीके से हम पहचान सकते हैं। एक तो पहला ये है कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि इसमें नॉट इक्वल टू कह रहे हैं और इसमें इक्वल टू भी कह रहे हैं, दोनों ही आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। एक इससे कंक्लूजन कह रहा है कि टी एम नॉट इक्वल टू डी और एक कह रहा है कि एम मे बी इक्वल टू टी, तो ऐसा मिलकर तो इधर और पेयर नहीं बना सकते। वैसे मैंने आपको बताया था दूसरी चीज भी कि ऐसे केस में जो इधर और में पार्टिसिपेट करेंगे वो केवल ग्रेटर देन और लेस देन साइन होंगे, ये वाला साइन तो इधर और में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। तो यहां पर आंसर हमारा इधर और नहीं, यहां पर आंसर हमारा होगा नीदर वन नॉर, ये इसका आंसर। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो L less than D and D is not equal to K, ठीक है ये दिया है हमें, कंक्लूजन देखते हैं K से D जाना है। अब देखो K से D अगेन तो not equal to है, not equal to का मतलब क्या है कि या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन बड़ा ही होगा या सॉरी या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, लेकिन खाली बड़ा ही होगा या खाली छोटा ही होगा, इंडिविजुअली ये चीज हम नहीं कह पाएंगे। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस केस में देखो क्या हो रहा है, एक में ये बता रहे हैं कि k इज इक्वल k इज ग्रेटर देन d और एक में ये बता रहे हैं d इज ग्रेटर देन k। अब ये अगर इक्वल नहीं है तो कौन कौन से केस हैं जो मिलके इधर और का पेयर बनाएंगे, मैंने बताया आपको वो होते हैं ग्रेटर देन या फिर लेस देन। तो देखो d को रेस्पेक्ट में देखो d इसमें लेस देन है और इसमें ग्रेटर देन है, तो दोनों साइन मिलके सॉल्व कर रहे हैं, हालांकि इंडिविजुअली दोनों गलत है, इंडिविजुअली दोनों गलत है, लेकिन फिर भी दोनों मिलके इधर और पेयर बनाएंगे, तो यहां पर इधर वन और टू ये हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप समझ में आया, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो एफ नॉट इक्वल टू क्यू, जी इज लेस देन एफ और एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको चाहे तो आप एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लो अगर अभी के लिए, है ना, वैसे वो इस एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, कोशिश किया करो इसको माइंड में करने। अभी फिलहाल मैं आपको उस तरीके से भी करके दिखा देता हूं। देखो F से G कनेक्ट करते हैं तो G लेस देन F, F नॉट इक्वल टू Q और Q इज लेस देन इक्वल्स टू N, ये हमारा कंबाइंड स्टेटमेंट एक बन गया। ठीक है कंक्लूजन देखते हैं, फर्स्ट कंक्लूजन ये कह रहे हैं कि Q इज ग्रेटर देन G, Q इज ग्रेटर देन G, तो देखो Q है और ये G है, G से अगर हम Q आए तो बीच में नॉट इक्वल टू आ रहा है, नॉट इक्वल टू की वजह से हम उनके बीच में कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। तो उस केस में हम G और F के बीच में, यहाँ पर G और Q के बीच में हम कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे बीच में नॉट इक्वल टू आके, तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। ठीक नेक्स्ट देखो F इज लेस देन इक्वल टू N, तो अगेन F से जब हम N जा रहे हैं, F से जब हम N जा रहे हैं तो अगेन हमारे साथ क्या चीजें हो रही है कि वो हमें यही चीज दे रहा है कि बीच में नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है तो अगेन उनके बीच में हम कोई भी रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है आगे देखते हैं, जी से एन जाना है, जी से एन जाने में भी अगेन हमें नॉट इक्वल टू बीच में मिलेगा तो ये भी हम नहीं फॉलो करा पाएंगे। अब बात आती है यहां पर इधर और कैसे चेक करें, तो देखो इधर और चेक करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि एलिमेंट्स दोनों साइड सेम होने चाहिए। देखो यहां पर क्यू है, जी है, एफ है, एन है, जी है और एन, और यहां पर हमें किसी के बीच में भी इक्वल टू नहीं दिख रहा, ओनली इक्वल टू, तो यहां पर इधर और चेक करने का मतलब ही नहीं क्योंकि एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट, एलिमेंट डिफरेंट भी हो तो एक बार ये चेक कर लेना कि उनमें कहीं इक्वल टू तो नहीं बन रहा, ऐसा तो नहीं है कि एफ लेस देन क्यू लिखा है और लिखा है कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, और कहीं वहां पर ऐसा तो नहीं है कि एफ और आर में इक्वल टू का साइन बन रहा है। उस केस में तो इधर और हो सकता है क्योंकि वहां पर एफ और आर का तो मतलब एक ही है, तो वहां पर आप अगर F को R से भी रिप्लेस करोगे तो वो बराबर बन जाएंगे, दोनों हमारे कंक्लूजन जो होंगे वो एलिमेंट सेम बन जाएंगे, तो उस केस में तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का साइन हमें किसी के बीच में नहीं दिखाई दे रहा, और ऑल्सो क्या हो रहा है कि वहां पर किसी भी कंक्लूजन में मतलब किन्हीं भी दो कंक्लूजन में सेम एलिमेंट्स नहीं दिख रहे, तो ये भी मिलकर इधर और का पेयर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर नॉन फॉलो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो गाइस कुछ ये क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए,
हाँ, पर आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए। कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी मैंने इसमें डाले हैं ताकि आपको एक ओवरऑल इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस मिल जाए। अगर आपने पुराना सेशन नहीं देखा है डे टू वाला, उसमें हमने इनइक्वालिटी का एक बेसिक सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसकी पीडीएफ का लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उन दोनों पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, उन क्वेश्चंस को कीजिए। ये क्वेश्चंस चुन के बनाए गए हैं, जो एग्जाम में लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं उन्हीं के बेसिस पर मैंने खुद उनको चुनकर बनाया है, तो इनको इनकी इस मेहनत की थोड़ी सी वैल्यू कीजिए और इसको क्वेश्चन को इनको सॉल्व करके और आप अपने जो उसमें आंसर्स भी हैं उनसे मैच कर सकते हैं। और अगर फिर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आई विल एंटरटेन दैट कमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, नाउ कीप लर्निंग।